प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सबों का अर्जुन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं अर्जुन प्रसाद यादव आप सबों के सामने क्लास टेंथ का काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। इससे पहले वाले वीडियो में बतला चुके हैं एक नंबर का क्वेश्चन। अगर पहले उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में क्या है। 2x² + x + 1/8 = 0। इसमें देखिए 1/8 जो दे दिया है, यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट को परेशानी होता है कि बट्टे में 8 है, अब इसको कैसे हल करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप सब इस चैनल पर अभी तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x² + x + 1/8 = 0। इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बतला चुके हैं कई बार वीडियो में, क्या बट्टे में जो अंक रहे वो डिस्टर्ब करता है इस समीकरण को, तो उसी अंक से गुणा कर देना है सबको। तो 8 है ना, 8 डिस्टर्ब कर रहा सभी को बट्टे में, इसीलिए तो ये सॉलिड हो जाएगा। 8 से ही गुना कर देते सबको, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 × 9 = 16 हो जाएगा। तो 16x² हो गया प्लस इसको 8 से गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा, 8x होगा प्लस इसको जब 8 से गुना करेंगे तो 8 ऊपर में होगा और 8 नीचे में होगा, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे समझने में किसी को दिक्कत हुआ हो तो देखिए रफ में समझ सकते हैं। देखिए 2x² + x + 1/8 है ना, क्या बोले थे सबको कितना से गुना कर देने के लिए, 8 से, तो इसको 8 से गुना कीजिए, 2 × 8 x² तो है ही, यहाँ देखिए x है तो इसको 8 से गुना करना है तो 8x हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 1/8 है, इसको 8 से गुना करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, यहाँ 8 कट जाएगा, यहाँ देखिए 8 × 16x² + 8x + यहाँ पे 1 बचा हुआ बराबर 0। देखिए इस तरह आ गया ना। अब इससे आगे देखिए क्या कैसे बनाएंगे, तो बतला चुके थे क्या, तीसरा टर्म को पहला टर्म से गुना करना है, तो 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और बतलाए हुए थे 16 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और बिचला के बराबर पुराना, बीच में जो भी अंक रहेगा उतना पुराना है, तो 2 से तोड़िए इसको, ये सभी रफ की बात है, 2 से तोड़िए 8 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 बार में टूटेगा और 2 से फिर तोड़ेंगे तो 2 बार में, तो देखिए 4 × 2 आ चुका है इसमें, देखिए तो इसी 4 × 2 से हमको 8 पुराना है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो 8 तो हो जाएगा हमको, 4 और 4 को जोड़ने से 8 मालूम हो गया। देखिए इससे आगे वाला प्रोसेस में कैसे बनाते हैं, 4 और 4 को जोड़ने से 8 हो गया, और 8 में देखते हैं यहाँ x लगा हुआ, तो इसमें भी x लगाएंगे, इसमें भी x लगाएंगे, तो इसमें भी x लगा देंगे, तो 8x के बदले क्या उतारेंगे, 4x + 4x, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 16x² है प्लस इस 8x के बदले यहाँ से उतारना है क्या, 4x + 4x और प्लस में 1 है तो 1 बराबर में क्या देना है 0। अब देखिए, अब इससे आगे वाले प्रोसेस में क्या बताए हुए थे, 2 करके जोड़ा लगाना है, इस 2 करके जोड़ा लगा, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है क्या मिल रहा है, तो चरका में 16 चरका में 4, तो सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए, दोनों में x मिल रहा था x भी कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इस चरका में 16 का वर्म आता है 4 बार में, क्योंकि 4 × 4 = 16, एक्स यहाँ x² है, 2 × x है, तो 1 कॉमन लिए तो 1 × x बच गया। अब देखिए यहाँ 4 x है, बाहरों में भी 4 x कॉमन ले चुके थे, पूरा का पूरा कॉमन ले लिए, नहीं कुछ बचा तो क्या बचा, 1 बचा। अब इस दोनों में देखते हैं, देखिए इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 4 दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो नहीं कुछ कॉमन आता है तो 1 आता है कॉमन, याद रखिएगा। तो इस दोनों में प्लस है, पहले तो प्लस ले लेते हैं, 1 ले लेते कॉमन, क्योंकि 1 में तो 4 भी आ जाएगा और 1 में 1 भी आ जाएगा, बराबर में क्या 0। ये क्या बताए हुए थे, जब गुणनखंड सही हो तो ये दोनों सेम मिलते। चलिए क्या बताए हुए थे कि इन दोनों में गुणनखंड जब सही रहेगा तो इन दोनों में जो ये है दोनों सेम रहेगा, सेम मिलेगा। देखिए 4x +
एक इसमें भी है और इसमें भी चार एक्स प्लस एक है, इन दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, तो प्लस के बाएं साइड से ये कॉमन ले लिए और प्लस के दाएं साइड से ये कॉमन ले लिए, ठीक ना। तो देखिए प्लस के बाएं और क्या बचा इसके अलावा, तो चार एक्स बचा, और प्लस के दाएं और ये कॉमन ले चुके तो क्या बचा, वन बचा, बराबर में जीरो, ठीक। अब ये दोनों को बारी बारी जीरो के बराबर करना है, तो देखिए इससे आगे प्रोसेस में, तो चार एक्स प्लस वन को एक बार किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। तो यदि चार एक्स प्लस एक बराबर क्या हो गया, जीरो हो जाए, तो किसको रखेंगे आप इसको बताइए, तो चार एक्स को रखने का प्रयास करेंगे, तो ये प्लस में एक उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में एक होगा, और चार गुना में है तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में, तो एक्स को रखेंगे तो क्या होगा, तो माइनस एक बटे में क्या हो जाएगा, एक बटे में चार हो जाएगा ना। इस तरह से पहला मूल निकल गया क्या, एक्स बराबर माइनस वन बाय फोर, ठीक ना। फिर देखिए दूसरा मूल निकालते हैं, यदि करके, यदि दूसरा भी तो सेम है, इतना ही निकलेगा क्या, दूसरा क्या है, फोर एक्स प्लस वन बराबर क्या, जीरो। तो देखिए फोर एक्स को रखने का प्रयास करेंगे, प्लस में वन उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में वन, और यहाँ फोर है एक्स के साथ गुना में, उधर भेजेंगे तो भाग में होगा, तो एक्स बराबर जो रखेंगे, एक्स को रख लेंगे, एक्स बराबर होगा माइनस वन बाय फोर। देखिए दोनों का आंसर बराबर आया, मतलब दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए अतः हम तो फिर उसी तरह बोले थे लिखने के लिए, अतः हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करे, तो चेकिंग के दौरान उसको लास्ट में अच्छा से लिखा हुआ रहना चाहिए, जिस तरह नहीं कभी कभी सुने होंगे कॉपी को ऊपर में, मतलब कॉपी में कोई भी परिभाषा लिखना, आज जैसे मालूम नहीं है मुझे परिभाषा, फिर भी लिखना चाह रहे तो ऊपर में दो या तीन लाइन सजा के लिख दीजिए बढ़िया से, और नीचे में बीच में दो चार लाइन रफ भी लिखिएगा, नहीं जानते इधर उधर की बातें तो भी चलता है। तो उसी तरह मैथ में भी लास्ट में अगर आप अच्छा से लिख देते हैं क्या अतः करके, और वो सही है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं एक भी नंबर, ठीक ना। तो देखिए कैसे, तो सो दिखा देते हैं, अतः में क्या लिखेंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्रमशः माइनस वन बाय फोर, कोमा भी दे सकते हैं, माइनस वन बाय फोर है। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों जो है, ये दोनों इसका मूल है। कितना ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो यहीं पर छोड़ देता है तो भी उसका आंसर होगा, लेकिन नंबर इसमें काटे या नहीं काटे तो डिपेंड करता है उस पर, चेकर पे। लेकिन इतना लिख देने के बाद है कि स्पष्ट रूप से उसके माइंड में ये रहेगा कि नहीं, स्टूडेंट जो है बहुत बढ़िया से बनाया है क्वेश्चन को, सजा के बनाया है और सही बनाया है, तो नंबर पूरा का पूरा मिलना चाहिए, तो पूरा का पूरा मार्क देगा इसमें, जितने मार्क्स का रहेगा। तो कम से कम ये क्वेश्चन तीन मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, फिर वो नहीं बनेगा तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, जिस स्टूडेंट को भी बन जाएगा इसका मूल निकल जाए तो वो आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, इसका दोनों मूल कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अगर फिर भी अगर परेशानी होती है तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।